मैं पूरे कास्ट और क्यू की तरफ से माननीय मंत्री जी का, श्री अनिल राजभर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अपने विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव का स्वागत करता हूं, और अयोध्या से आए हुए हमारे भाई श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी का स्वागत करता हूं। हम लोग बंबई से आए हैं, लेकिन एक रिविलेशन मैं आपके सामने करूंगा कि आज यहाँ संगम हो रहा है कृष्ण राम और शिव का। मैं मथुरा से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे भाई अयोध्या से आए हैं और आपकी नगरी में आए हैं, शरण ली है श्री सदाशिव की नगरी में, क्योंकि सबको सदाशिव के पास ही जाना होता है, वही लक्ष्य है हम सब लोगों का। और इस फिल्म को यहां से शुरू करने का भी एक विशेष उद्देश्य हम लोगों का था, क्योंकि फिल्म का जो विषय है, फिल्म जो चिंता श्री राजभर जी ने व्यक्त की कि इस फिल्म से कुछ संदेश जाए, और श्री सौरभ श्रीवास्तव जी का भी कंसर्न था इसमें कि कुछ मैसेज इस फिल्म से जाए तो अच्छा रहेगा। निसंदेह मनोरंजन तो है ही, क्योंकि मनोरंजन एक माध्यम है जिससे हम कुछ समाज को संदेश दे सकते हैं, दुनिया को संदेश दे सकते हैं, लेकिन यदि किसी फिल्म का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन होता है तो वो कतई उस चीज को पूरा नहीं करती जिसके लिए फिल्मों का निर्माण होना चाहिए। ये फिल्म का जो संदेश, जिसकी चिंता आप लोग को है, कंसर्न है, और कंसर्न होना स्वाभाविक है क्योंकि समाज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, समाज के लिए चिंतित हैं, ये फिल्म अंततः मैसेज देती है कि कैसे भारत की जो संस्कृति है, शायद यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, भारत की संस्कृति अंततः शिव तक पहुंचाने के लिए है, ऐसा मेरा मानना है। सबको शिवोमय करने के लिए है, वही जीवन का उद्देश्य भी है कि कैसे हम शिव तक पहुंचे, और ये फिल्म भी योग की प्रस्थापना करती है, जो सच्चा योग है अंततः उसकी प्रस्थापना करती है। चिंटू भैया,